तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं कैरेट और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिटेल व्यू में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसके में हम आज आप लोगों को बताएंगे कि कटर पे ठल कैसे बांधते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 6 mm की प्लाई लेनी है। 6 mm प्लाई लेंगे और प्लाई को हमने जो मैंने इसका साइज लिया है, इसका साइज है आप देख सकते हो 7.5 x 11 इसका साइज है। और आप ज़्यादा कम ज़्यादा भी रख सकते हो इसका साइज, ठीक है। तो उसके बाद में हमें ये मैंने पीस पहले ही काट रखा था ताकि समय ज़्यादा ना वेस्ट हो और वीडियो ज़्यादा ना लंबी बने। और इसमें मैंने सुराख हैं जो वो पहले निकाल लिए हैं, ठीक है। ये सुराख मैंने पहले निकाले हुए हैं, 3 सुराख। आप चाहो तो एक चौथा सुराख वो भी निकाल सकते हो, वैसे 3 से भी काम चल जाएगा हमारा। इधर से प्लाई लगाता हूँ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इधर से ये बिल्कुल गुनिए में, ये बिल्कुल गुनिए में। और इधर से लगाएंगे अब हम, इधर से ये देखो कितना फ़र्क दिखा रही है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये वाली साइड है वो गुनिए में नहीं है। तो इसे हम गुनिए में करेंगे अब। ये देखो इसमें इतना फ़र्क है, ठीक है। दोनों साइड लगा के देख लेते हैं और ये हमारी बिल्कुल गुनिए में पड़ी है और अब हम इसे गुणी में करेंगे, तभी हमारी ये जो कटर है वो सही चलेगा। अगर हम मेटल गुणी में होगी तो हमारा कटर भी गुणी में सही चलेगा बिल्कुल। थोड़ा सा है निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हो ये गुनिए में हमारी हो गई है। अब हम तो हमने निशान इधर लगाना है, हमने निशान लगा दिया इधर वाली साइड 1 इंची। और यहाँ से हमने लेना है सूत कम 2 इंची, क्योंकि हमारा 1.5 था। तो हम दोनों साइड हम बराबर जगह जो बीच में हमारा आ जाएगा कटर। तो अब हम रखेंगे कटर को, और जो मैंने ये वाले निशान लगाए हैं ना, ये वाले निशान आपने एक गुनिया लगा के गुनिया लगाना है, ठीक है। और जो हमारी ये प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, ये बिल्कुल निशान के बराबर रखनी है हमने बिल्कुल सही करके। और जो हमने ये वाला निशान लगाया है तो जो कटर का दांता है हमारा, ठीक है, जो हमारे कटर का दांता है ना वो बिल्कुल इस वाली साइड में आना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो, देख पा रहे होगे आप, ये देखो हमारा जो दांता है ना ये वाला 1 इंच का हमने निशान लगाया था, हमारा इस वाली साइड हमारा ये निशान। इधर से हम देखेंगे ये देखो थोड़ा सा फर्क है, तो थोड़ा सा इसे आगे कर लेंगे और ये हमारा थोड़ा ही लगे, ये यहाँ आ गया, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमने निशान लगाने हैं जहाँ हमने सुराख निकालने। तो हम निशान लगा लेंगे, ये लग गए हमारे निशान। अब हम कट करेंगे साइड में, और जो ये वाले सुराख हैं, ठीक है, अब ये हमारे सुराख हम निकालेंगे।
पेचकस पेचकस और ये हमारी ठल लग चुकी है और अब हम इसमें निकालेंगे। चला दें हमारी ये ठल लग चुकी है, ठीक है। तो अब हम काट के देखेंगे कि ये सही काटती है या नहीं। जैसे हम 3 इंची पर निशान लगाएंगे तो हमें जैसे 2 इंची की पत्थर चाहिए तो हम 3 इंची के ऊपर निशान लगाएंगे इसे। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी ठल है उसने हमारा जो पत्थर काटी है वो 2 इंच काटी है। तो ये देखो, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी ठल है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारी ये लग चुकी है ठल, और ये ठल लगाने से हमारे जो माल कटना हमने माल कटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं वो बिल्कुल सीधा कटता है और बिल्कुल आसान तरीके से कटता है। तो ये मैंने आज आप लोगों को दिखाया ठल लगा के कटर के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चीज़ लेके आएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।